हे फूडीज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधी कढ़ी की रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं आज बनाने जा रही हूँ। सो उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। फर्स्ट हमें चाहिए टोमेटो प्यूरी एंड देन ओकरा स्लाइसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेडी फिंगर, देन स्लाइसेस ऑफ पोटैटोज एंड हेयर इज इंडियन स्क्वैश विच इज ऑल्सो कॉल्ड टिंडा इन हिंदी and it is gram flour which is also called besan and हमारे पास यहाँ पर है टर्मरिक वाटर और इसको हम इमली का पानी भी कहते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे सिंधी कढ़ी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगेन। सो सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और इसे हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो यहाँ हमने पोटैटोज ऐड कर दिए हैं, इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये गल जाए। अब हम ओकरा स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। कुछ इस टाइप से हमें पोटैटोज को फ्राई कर लेना है। सो जैसे हमने करे थे फ्राई पोटैटोज, इसी तरह हमने लेडी फिंगर और इंडियन स्क्वैश भी कर लिया है और इसमें आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि अरबी और लोटस स्टेम और पीस और बहुत कुछ, क्योंकि इसका जो क्रंचीनेस का टेक्सचर होता है और एकदम सार सार लगता है तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो इसमें आप और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो जो ऑयल बचा है फ्राई करने के बाद उसी को हम यूज कर लेंगे। तो उसी ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे हींग, ये हमने हींग डाल दी है। अब हम इसमें क्यूमिन ऐड करेंगे, इसमें अब हमने ऐड करे हैं मस्टर्ड सीड। अब जैसे ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे ग्राम फ्लावर, हियर वी गो। इसको हम स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। इसको हमने मीडियम पे रखना है ताकि इसका कलर जो है अच्छा है और इसमें कच्चेपन का टेस्ट भी ना आए, अच्छा फ्लेवर चाहिए। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। ये टोमेटो प्यूरी डाल दी है, तो टोमेटो प्यूरी डाल के इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टोमेटो भी पक जाए और टोमेटो जब तक ऑयल नहीं छोड़ता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे इंडियन स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, यू एडेड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड हियर इज हल्दी, देन दिस इज धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड वी विल मिक्स इट प्रॉपरली। तो जैसे ये पक जाएगा इसमें हम इमली का पानी ऐड कर देंगे। सो यहाँ इमली का पानी हमने ऐड कर दिया है। इमली के पानी के साथ साथ हम इसमें सिंपल वाटर भी ऐड कर देंगे। जैसे ही बॉयल आ गए इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए जो हमने पहले से ही शैलो फ्राई करके रखी थी और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। सो इसे 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद हमारी सिंधी कढ़ी एकदम रेडी है और इस पे हमने गार्निश कराया है कोरिएंडर लीव से और ये बहुत ज्यादा टेम्प्टिंग बनी है। इसको मैं आपको किसी बाउल में प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए कितनी टेम्प्टिंग हमारी सिंधी कढ़ी आई है। कुक होने के बाद इसका बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बेस्ट है। सो आई प्रेफर यू कि आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना, इट इज वेरी टेम्प्टिंग और आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी, ये बहुत टेस्टी होती है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय।